लोकतंत्र का पर्व है और लोग सुबह से ही अपना वोट डालने के लिए पोलिंग बूथों पर लाइनों में लगे हुए हैं। एक तरफ तेज धूप और गर्म हवाएं चल रही हैं, बावजूद इसके लोग धैर्य के साथ वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इधर दिन में लगभग 11 बजे करीब एक शख्स का पारा उस वक्त चढ़ गया जब हल्द्वानी के खालसा इंटर कॉलेज में वोट डालने पहुंचा और बाहर बैठे एजेंट ने पर्ची देखकर यह बोल दिया कि आपका वोट तो पड़ चुका है। यह सुन वह भौचक्का रह गया और अधिकारियों से मिल शिकायत किया, जिस पर दोबारा जब अधिकारियों ने जांच की तो पता चला संबंधित व्यक्ति का वोट नहीं पड़ा है और उसे वोटिंग के लिए अंदर प्रवेश दिलाया। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये टीकम बहादुर जी एक क्या कहते हैं जागरूक मतदाता हैं, मतदान के लिए आए हुए थे, तो इनको क्या कहते हैं त्रुटिवश इनको ऐसा किसी के द्वारा ये कहा गया कि आपका मतदान आपके जगह पर किसी अन्य व्यक्ति ने मतदान कर दिया है, जबकि वास्तव में जब इनने हमें बताया तो हमने देखा कि इनका बूथ संख्या 21 में इनका नाम था और 856 इनका सीरियल नंबर था, तो इनके द्वारा मतदान किया गया है और मतदान का प्रूफ भी ये अपने आप में मतदाता के रूप में इनने मतदान किया है जो आप देख सकते हैं। और कभी क्या होता है त्रुटिवश जो मतदाता होता है वो ये समझ लेता है कि जैसे बाहर का कोई व्यक्ति कहता है कि मतदान आपका हो चुका है, तो ये ना मानते हुए ये माने कि जब तक आपका अंदर का जो कर्मचारी जो वहां पर रहे जो क्या कहते हैं निर्वाचन की ओर से जो कार्य कर रहे हैं जब तक वो ना कहें तब तक उसको अपना मतदाता ये ना समझे कि किसी अन्य व्यक्ति के बहकाव में आकर के ना समझे कि किसी अन्य व्यक्ति ने आपका वोट किया है। जो बाहर जो एजेंट बैठे हुए एजेंटों ने कहा कि आपका वोट पड़ गया है, जब मैंने प्रशासन से वो करी तो जब मेरे को वोट देने का अधिकार मिल चुका है। ये अगवा जी गेट के सामने जो फ्रंट गेट के सामने जहाँ पर वो एजेंट लोग हैं उन्होंने कहा कि आपका वोट पड़ गया आप जा सकते हैं।